फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं BHEL के स्टॉक के बारे में। BHEL में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, फ्राइडे को शुरुआत में काफ़ी बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखने को मिली। 59.15 का हाई बनता हुआ देखने को मिला, बट स्टॉक वहाँ से रिवर्स हो गया और आपको गिरावट में बंद होता हुआ देखने को मिला। तो ये क्या था, क्यों हुआ ऐसा, इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊँगा। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो जो नई नई खबरें निकल के आ रही है BHEL के स्टॉक पे, वंदे भारत ट्रेन्स की क्या खबर है ये, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या सबसे बड़ी बात, करंट लेवल के आसपास क्या बाइंग हमको करनी चाहिए, क्या यहाँ पे बाइंग बन सकती है, तो आपको सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, BHEL ने फ्राइडे के सेशन में 56.20 पे क्लोजिंग दी। करीबन एक रुपये के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। 1.66% की गिरावट आपको BHEL के स्टॉक में आती हुई देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा BHEL ने शुरुआत में काफ़ी बढ़िया करा और 59.15 का आपको दिन का हाई बनता हुआ देखने को मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो स्टॉक ने तेज़ी दिखाई जिसके कारण आपको 59.15 का हाई बनता हुआ देखने को मिला। इसके बाद कयास ये लगाया जाता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको गिरता हुआ क्यों देखने को मिला एंड क्या तेज़ी के कारण स्टॉक बढ़ा। तो देखिए, यहाँ पे जी बिज़नेस जो आपको एक न्यूज़ चैनल देखने को मिलता है, बिज़नेस न्यूज़ चैनल देखने को मिलता है, वहाँ पर एक खबर निकल के आई थी। इसमें कहा गया था कि BHEL के लिए एक PLI स्कीम आने वाली है, जिसमें आपको BHEL एक बड़ा काम करता हुआ देखने को मिलेगा फॉर ऑटो इंडस्ट्री, सम पार्ट था यहाँ पे। तो जो खबरें थी उसके कारण देखिए BHEL के स्टॉक में यहाँ पे तेज़ी बनती हुई देखने को मिली, बट वो तेज़ी वापस से पूरी सोक हो गई और यहाँ पे जो कह सकते हैं ऊपर के लेवल्स थे वहाँ से काफ़ी तेज़ी से सेलिंग प्रेशर बना एंड देन स्टॉक यहाँ पे आपको डाउनफॉल में जाता हुआ देखने को मिला। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये कि स्टॉक ने कोशिश करी बढ़ने की एंड यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंटली बात करूँ तो 59.50 का जो हर्डल था, अगर क्रॉस हो जाता तो 60 रुपये का लेवल आपको यहाँ पे फ्राइडे को आता हुआ देखने को मिल जाता। बट सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्या यहाँ से तेज़ी कर सकता है, उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन एक खबर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपने। क्या खबर है पहले आपको वो दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, खबर क्या है, खबर है एल्स्टॉम सीमेंस BHEL अमॉन्ग 11 प्लेयर्स कीन टू प्रोड्यूस 58 वंदे भारत ट्रेन्स। ये खबर दो दिन पहले निकल के आई थी, बट सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है इसमें BHEL एक प्लेयर है जो आपको हो सकता है कि 58 वंदे भारत ट्रेन्स को बनाता हुआ देखने को मिले। तो क्या है फ्रेंड्स, एल्स्टॉम, मेधा एंड सीमेंस एंड BHEL आर अमॉन्ग 11 मेजर प्लेयर्स हु हैज शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत ट्रेन एज दीज लीडिंग कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन द प्री बिड मीटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग 58 न्यू सच रैक्स टू बी डिलीवर्ड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ। BHEL, टीटागर, वैगन, CAF, क्रॉम्पटन, ग्रीव्स, कमेंस एंड LGR आर ऑल्सो अदर प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकार ने 58 वंदे भारत ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट निकाला है और इसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ का इंटरेस्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है और वो सब आपको बिडिंग लगाती हुई देखने को मिल रही है। आगे बिडिंग लगाएगी, बट पहले मीटिंग हुई थी एंड इसमें दोस्तों जो मीटिंग हुई है इसमें BHEL भी आपको शामिल होता हुआ देखने को मिला था। लगातार आपको देखने को मिलेगा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ट्रेन्स अब आपको देखने को मिलेगा, बनती हुई देखने को मिलेगी और नई नई चीज़ें देखिए आपको सरकार बन करती हुई देखने को मिल रही है। स्पेशल बात करूँ तो देखिए रेलवे सेक्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बजिंग सेक्टर आपको देखने को मिलता है। और अब इसी में एक और खबर है, क्या देखिए खबर है कि यहाँ पे वंदे भारत प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट पुश कर रही है और फास्ट लेन करना चाहती है। इंडियन रेलवेज ने एक टेंडर निकाला था लास्ट मंथ, तो जो डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग ऑफ ट्रैक्शन प्रोपल्शन इलेक्ट्रिक्स मैन्युफैक्चर करता हुआ देखने को मिलेगा 58 ट्रैक्स फॉर वंदे भारत ट्रेन्स। और इसमें दोस्तों जो नाम निकल के आ रहे हैं, सबको मैंने कहा कि ऐसे 11 प्लेयर्स हैं जो इस को बनाने में इंटरेस्टेड है। जो 44 वंदे भारत रैक्स का देखिए ऑलरेडी जो फ्लोट हुआ था टेंडर, अब 58 न्यू रैक्स का देखिए तो टोटल करीबन 102 वंदे भारत ट्रेन्स यहाँ पर रेडी होती हुई देखने को मिलेगी 2024 में। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले भी देखिए फ्लैग्ड ऑफ करके वंदे भारत ट्रेन्स का यहाँ पे न्यू दिल्ली वाराणसी रूट में इनॉग्रेशन किया था एंड अब आपको वापस से ये होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जो अपने आप में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे रेलवे एम कर रही है कि 75 ट्रेन्स 23 अगस्त से नेक्स्ट ईयर तक आपको आती हुई देखने को मिलेगी। और इंडिपेंडेंस डे पे जो अनाउंसमेंट हुआ था कि 75 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स आपको लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी और इस लॉन्च में ही आपको देखने को मिलेगा
सरकार ने एक नया टेंडर निकाला है और हमको देखना होगा कि टेंडर कौन सी कंपनीज़ के पास जाता है। बट जो भी कंपनी के पास जाएगा उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बट इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, BHEL एक और आपको बड़ा नाम निकल के आता है जिसमें चांसेस है कि BHEL कोई ऑर्डर मिल जाए। बट देखना होगा, अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है। BHEL इज़ अमॉन्ग द 11 प्लेयर्स। तो ये खबर निकल के आई है। इस खबर को कब इम्पॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का एक तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। देखना होगा हाथ में आता है कि नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर भी नज़र रहती हुई आपको देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि खबरें सब अच्छी निकल के आ रही है, कोई बुरी खबर निकल के नहीं आ रही है BHEL के ऊपर, उसके बावजूद हमको कोई बड़ा मूव नहीं दिया है। लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो भले ही आपको यहाँ पे 3-4% की रिटर्न है, लेकिन 3-4% की रिटर्न आम बात होती है। लास्ट 5 डेज में स्टॉक 1% बढ़ा है, लास्ट 6 मंथ्स में आपको सिर्फ 15% का रिटर्न। और अब तो कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 60 रुपीज़ का लेवल तो BHEL क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, बिकॉज 60 रुपीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो आगे तेज़ी बनती हुई देखने को मिलेगी। बट अभी हमको देखने को मिल रहा है जब भी उस लेवल के आसपास जाता है गिरावट बनती हुई चालू होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, 59.50 एक ऐसा क्रूशल लेवल है जिसको BHEL क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अगर उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो देखिए आगे की तेज़ी दिक्कत में आएगी, और वो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को लो बनता हुआ देखने को मिला था 55.80 रुपये का, और 55 रुपये के नीचे फॉल नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मार्केट में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी लगातार मेंटेन है, बट BHEL वो परफॉर्मेंस हमको नहीं दे पा रहा है जो देनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सब चीज़ बन रही है। अभी आपको देखने को मिलेगा, कह सकता हूँ कि PSU स्टॉक्स मेनली रैली नहीं कर पा रहे हैं, सबके अंदर गिरावट है। BHEL को छोड़ के आप देख लीजिए, सेल देख लीजिए एंड दूसरी कंपनी देख लीजिए, तो सब में देखिए ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। बट अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि होल्ड करना आना चाहिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, Q2 में जो बातें चल रही है कि कंपनी के नंबर्स बढ़िया आते हुए देखने को मिल सकते हैं और इस बार कंपनी बढ़िया कर सकती है, तो हमको वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। बिकॉज जब लास्ट टाइम फाइनेंशियल्स निकल के आए थे तो वो फाइनेंशियल्स सुधरे थे, सबसे बड़ी बात क्या है, सुधरे थे। YOY बेसिस पे कंपनी ने 45% अपना रेवेन्यू बढ़ाया, 50% नेट इनकम बढ़ाई, 65% नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया। भले लॉस में थी कंपनी, लेकिन उसको कम करता हुआ आपको देखने को मिला। ऑपरेटिंग इनकम भी लॉस में था, बट देखिए उसको कंपनी ने पिछले एक साल में काफ़ी कम करता हुआ देखने को मिला। तो डेफिनेटली वॉचफुल रहना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे करती हुई देखने को मिलती है आगे। एंड अगर यहाँ पे कुछ बढ़िया करती है कंपनी तो डेफिनेटली आप मान के चलिए यहाँ से BHEL का स्टॉक आपको इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मंडे के टारगेट्स के ऊपर। तो मेरी सलाह यही होगी, अगर डिप मिलता है आपको 55.5 के आसपास मिलता है, 56 के आसपास मिलता है, तो एक बार बाइंग के बारे में सोचिए। पुल बैक डेफिनेटली आएगा। स्टॉक के मंडे के टारगेट्स होंगे 58 रुपीज़ के, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है यहाँ पे आपको करीबन 55 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। 55 का क्यों दे रहा हूँ, अगर यहाँ से आप 55.5 पे भी खरीदते हैं तो 50 पैसे की रिस्क दे रहा हूँ, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अदरवाइज 52 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो भी सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।